हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज का हमारा वीडियो जो कि विशेषण का भाग 7 का वीडियो है, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण शब्दों की ऐसे विशेषण जिनकी हम अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। विशेषण के शब्द जिनकी विभिन्न अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था में शब्द जो है किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो विशेषण की मूल अवस्थाओं और उनके शब्दों के बारे में जानने से पहले ज्यादा जरूरी है हम विशेषण की अवस्थाओं को जाने, विशेषण को जाने और उसमें भेदों को जाने। तो अगर आपने हमारे विशेषण के और वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन पर जाके विशेषण उसके भेदों को बारे में, उसके भेदों के बारे में जान लें, उसके अवस्थाओं के बारे में जान लें, ताकि हम जिस वीडियो में जो पढ़ेंगे विशेषण के शब्द और उनकी अवस्थाओं के बारे में, हम उन्हें समझने में किसी तरह की परेशानी कठिनाई का अनुभव ना करें। तो पहले जो है विशेषण को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं विशेषण शब्द और उसके अवस्थाओं के बारे में। अब हम यहां लिखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। तो यहां पे अभी हम जो विशेषण के शब्दों के बारे में जानेंगे कि वे शब्द क्या है, उनका इन अवस्थाओं में वो किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम पहला शब्द लेते हैं, जिसे यहां पे हम पहला शब्द लेते हैं, जैसे हमने पहला शब्द दिया ठंडा। आजकल ठंडी बहुत है, ठंडा। तो ये जो है मूल अवस्था, पहला शब्द क्या है ठंडा, इसका जो है उत्तरावस्था बन जाएगा अधिक ठंडा, अधिक ठंडा या ज्यादा ठंडा। और यहां पर उत्तमावस्था बन जाएगा सबसे ठंडा, सबसे ठंडा। अब ऐसे एक और शब्द लेते हैं छोटा, अधिक या ज्यादा छोटा, अधिक छोटा, और यहां आ जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब हम यहां पे एक और शब्द देते हैं तीसरा प्राचीन। प्राचीन मीन्स होता है पुराना, जो पुराने चीजें होती है उनको पुराने को हम प्राचीन भी कहते हैं। इसका जो उत्तरावस्था हो जाएगा प्राचीनतर, प्राचीन तर यानी ज्यादा पुराना, और प्राचीनतम यानी सबसे ज्यादा पुराना, प्राचीनतम, प्राचीनतम, प्राचीन, प्राचीनतर और प्राचीन तम। अब हम यहां पर अब हम जो एक और शब्द लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं अधिक। अधिक से बनेगा उत्तरावस्था बन जाएगी अधिकतर, अधिकतर, और यहां उत्तरावस्था बन जाएगी अधिकतम, अधिकतम यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा, अधिक ज्यादा और सबसे ज्यादा। अब हम एक और शब्द लेते हैं यहां पर तीव्र। तीव्र से बनेगा तीव्रतर, तीव्रतर और तीव्रतम, तीव्रतम ये बन गया तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। अब हम एक और शब्द लेकर देखते हैं यहां पर क्या बनता है, वो न्यून यानी कम, न्यूनतर, न्यूनतर, और यहां बन जाएगा न्यूनतम, न्यूनतम। अब हम ऐसे एक और शब्द लेकर देखते हैं यहां पर क्या बनेगा, हमने लिया मधुर, मधुर, मधुरतर, मधुरतर और मधुरतम,
अब हम यहाँ पर एक और शब्द लेके देख लेते हैं, गुरु, गुरुतर और गुरुतम। एक नवा शब्द लेकर देखते हैं, अल्प, अल्पतर और अल्पतम। एक दसवां शब्द लेकर देख लेते हैं हम यहां पर, नवीन, नवीनतर, नवीन तर और नवीनतम। नवीनतम एक उनको पढ़कर देख लेते हैं, ठंडा, अधिक ठंडा, सबसे ठंडा, छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अल्प, अल्पतर, अल्पतम, नवीन, नवीनतर और नवीनतम। कुछ और शब्दों को देखते हैं यहां पर हम, जैसे अब लेते हैं हम सुंदर, सुंदरतर और यहां पर हो जाएगा सुंदरतम। अब हम एक और शब्द लेते हैं यहां पर, अब हम लेते हैं कुटिल, कुटिल से हो जाएगा कुटिलतर और कुटिलतम। कुटिलतम अब हम यहां पर एक और शब्द लेकर देखते हैं, जैसे कि अब हम लेते हैं निकट, निकटतर निकटतम। अब फिर से यहां पर एक और शब्द लेते हैं, वरिष्ठ, 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 वरिष्ठ का हो जाएगा वरिष्ठतर, वरिष्ठतर और वरिष्ठतम। अब हम फिर से यहां पर एक और शब्द लेकर देखते हैं, जैसे कि अब हम यहां लेते हैं ऐसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम एक शब्द और लेते हैं, योग्य, योग्य, योग्यतर योग्यतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम, निकट, निकटतर, निकटतम, वरिष्ठ, वरिष्ठतर, वरिष्ठतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, योग्य, योग्यतर और योग्यतम। तो ये थे कुछ विशेषण शब्द जिनकी हमने तीनों अवस्थाओं में इनको इनके तो ये थे कुछ विशेषण के शब्द जिनको हमने मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था तीनों अवस्थाओं में देखा, इन शब्दों के रूपों को देखा कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं।
उम्मीद है ये वीडियो देखने में आपको रोचक लगा होगा, इसे देखने में बहुत मजा आएगा और आपने आपका जो ज्ञान है वो इनसे बहुत बढ़ा होगा। अगर आपने हमारे विशेषण के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर विशेषण के भेद, उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में जाने, ताकि हम जो है विशेषण को अच्छे प्रकार समझ सके, पढ़ सके और उसे भविष्य में ना भूलने वाली स्थिति पर आके रुक जाए। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान और हमेशा खुश रहिए।